वक्त आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से, मैं आपके साथ सिमरन। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। एमपी पिछले 24 घंटों में मिले 12,319 नए केस, रिकवरी रेट 84.7%, 89,244 एक्टिव केस। एमपी पिछले 24 घंटों में 12,000 से ज्यादा केस मिले। स्वास्थ्य विभाग कहता है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश का रिकवरी रेट 84.7% हो गया है। फिलहाल यहाँ 89,244 एक्टिव केस है। प्राइवेट अस्पतालों की लूट पर कसने की नकेल, सरकार ने बनाई IAS अफसरों की टीम। इससे पहले सरकार कोरोना के इलाज में होने वाले सीटी स्कैन से लेकर ब्लड जांच के रेट भी फिक्स कर चुकी है। इससे पेथ लैब संचालक की मनमानी पर काफी हद तक रोक लगी है। एमपी में बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ रहे कोविड केयर सेंटर, 72% बेड खाली। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर खोले गए थे। इन कोविड केयर सेंटर्स में गंभीर मरीजों को भर्ती करने का प्रावधान नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन तो रखी गई है लेकिन ऑक्सीजन बेड नहीं है। एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी पर नकेल, सरकार ने मरीजों के लिए तय किए रेट। कोरोना आपदा के समय मनमानी कर रहे एम्बुलेंस संचालकों पर सरकार ने नकेल कस दी है। सरकार ने एम्बुलेंस किराए की दरें तय कर दी है। शहरी क्षेत्र में पहले 10 किलोमीटर के लिए 250 रुपए देने होंगे, इसके बाद 20 रुपए किलोमीटर के हिसाब से किराया देना होगा। आज शायद ही हो सके आपकी बीमारी का इलाज, कोरोना सेवा भी रोक सकते हैं डॉक्टर्स। मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स आज हड़ताल पर जाएंगे। डॉक्टर्स ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा है कि सरकार को हमारी मांगे मान लेनी चाहिए। सत्तर युवा में 30 मई तक नहीं बचेगी शहराएं, ठीक हो रहे मरीज। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। सरकार ने सतना और रीवा जिले में 30 मई तक शादी पर रोक लगा दी है। इन जिलों में भीड़ भाड़ वाले आयोजन भी नहीं होंगे। एमपी में दूर हो जाएगी ऑक्सीजन के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता, 94 प्लांट लगाए जाएंगे। कोरोना संकट काल में ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच ये खबर राहत देने वाली है। मध्य प्रदेश में अब भरपूर ऑक्सीजन मिलेगी। एक महीने के अंदर प्रदेश में कई ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएंगे, कुछ प्लांट का काम शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों की होगी ओपन बुक सिस्टम परीक्षाएं, शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश। मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को लेकर आदेश जारी किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार राज्य में विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं ओपन बुक सिस्टम के आधार पर आयोजित की जाएंगी। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ एमपी को। धन्यवाद।